नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। यानी कि दोस्तों, सितंबर माह के आखिरी दिन और अक्टूबर माह के पहले दिन आप सभी के लिए केश वैद्य होंगे। यश में ग्रहों की स्थिति कैसे होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होगा। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 30 सितंबर की बात करें तो दोस्तों, ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और ये दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो परिग नाम का योग रहेगा, साथ ही इस दिन शिव नाम का भी शुभ योग रहेगा। ये दोस्तों महीने के आखिरी दिन में बहुत ही अच्छे योग हैं, ये आपके कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ आपको देंगे। राहुकाल का समय दिन दोपहर के 1:45 से लेकर शाम के 3:14 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, जन्मदिन मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अक्टूबर माह के पहले दिन की बात करें तो दोस्तों, दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और पुष्य नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शिव नाम के शुभ योग के उपरांत ही सर्वार्षिधि नाम का शुभ योग रहेगा और महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। बस दोस्तों, इस दिन राहुकाल के समय आप सावधान रहें और यह समय रहेगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:16 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में जब आप बातचीत करेंगे तो आपको ये अच्छे संबंध विकसित करने में सक्षम बनाएगा और यह दोनों के लिए ही सहायक सिद्ध होगा। दान और अन्य सार्वजनिक जो कल्याणकारी गतिविधियाँ हैं, यह आपको अपने ओर आकर्षित करेंगी। इस समय आप अपने दृष्टिकोण में जो है उन्माद से लेकर एकदम शांत होने जैसा परिवर्तन देखेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव यानी सावधानी को लेकर बात करें तो अभी आप करियर और निवेश से संबंधित कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, यश में चुनौतियों का जो है डटकर सामना आप करें और भावनात्मक रूप से कमजोर न पड़े। काम और निजी जीवन से संतुलन बनाए रखने में एक सूची या फिर एक समय जो है सारणी की आप मदद ले सकते हैं, इसमें वह आपको मदद करेंगी। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लिए अपनी क्षमताओं का जो है गहराई से आकलन करने का समय होगा। अगर आप खुद को काम के बोझ से दबा हुआ जो मान रहे हैं तो दोस्तों, यह समय और काम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो समय होगा, आप इन सभी बातों को अपने संबंधों से खुलकर बताएं। जितनी जिम्मेदारियाँ और दबाव आप पर है, क्या उनके साथ आप न्याय कर पा रहे हैं? दोस्तों, इस पर जो है विचार करें और ये आपके लिए जो है भविष्य में रिश्तों के लिहाज से खटास पैदा करने वाला समय होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे आपके करियर के मामले में, इन दिनों में जॉब करने वालों के लिए थोड़ा तनाव भरा समय होगा। बिजनेस में कुछ नुकसान की आशंका रह सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, कुल मिलाकर आप इस समय अपने प्रयासों से मिले सकारात्मक लाभों का भी आनंद ले रहे हैं। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो अनावश्यक जो संघर्ष यह समय जो है उत्पन्न हो सकता है। वही दोस्तों, यह समय इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपकी लव लाइफ के लिए अपने प्यार के टोकन के रूप में जो है उपहार देकर या फिर कुछ खास प्लान बनाकर सुख और मनोरंजन को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अपने सभी रिश्तों में कूटनीति के महत्व को जो है कम न समझें। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, रिश्तों को आपको अधिक समर्पण और सकारात्मकता दिखाने की आवश्यकता होगी। यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय आपको मौसमी बीमारियों से सावधान रहना होगा। ये जो दिन होंगे आपके लिए, यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है
तो दोस्तों यश में आप इनसे संबंधित कोई अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, फ्यूचर में आपको जो है इसका लाभ प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा क्रीम और भाग्यशाली अंक रहेगा 12। दोस्तों इन दिनों में गृह जी कहते हैं कि आपका जो दिन होगा कुटुंबिक और सामाजिक समारोहों में मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मिलकर आनंद मनाने का समय होगा। दोस्तों इन दिनों में आप पैसे बचाने तथा योग्य जगह पूंजी निवेश करने का विचार करेंगे। गणेश जी बताते हैं कि आपको खर्च पर नियंत्रण रखकर जो है बचत करनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपकी धन को लेकर दिन की शुरुआत में सकारात्मक होगी इन दिनों की शुरुआत में, लेकिन बाद में इन दिनों के जो दोपहर का बाद का समय होगा आपके लिए ऐसा लग सकता है कि आप गलत दिशा में काम कर रहे थे। इस समय जो है दोस्तों इस तरह ये दिन जो है आपके लिए गलतियों को सुधारने या फिर उन्हें समझने का दिन होगा, आपको पसंद हो या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो दिन होगा आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आप आराम करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाह सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपके जो रिश्ते होंगे उनमें क्रमशः सुधार होने लगेगा और आप अपने जीवन साथी की बाहों में आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर यश में अपने पीर के साथ अंतरंग होने और एक रोमांटिक रात का आनंद लेने का इन दिनों में समय होगा। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं तो आप यश में परेशान रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आप अपनी आर्थिक मजबूती से भी बहुत खुश नहीं होंगे। आप महसूस करेंगे कि खुश रहने के लिए वित्तीय ताकत बढ़ाना आवश्यक है। वहीं दोस्तों इन दिनों का पहला भाग आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जटिल कार्यों को करने के लिए इन दिनों में जो समय होंगे अच्छा समय नहीं होगा, लेकिन सरल कार्यों को निश्चित रूप से किया जा सकता है। दोस्तों यश में गणेश जी आपको खुद में नया जोश ऊर्जा भरने के लिए शांत वातावरण में बैठने का सुझाव देते हैं। साथ ही दोस्तों इन दिनों में नर्वस ब्रेकडाउन आपकी सोचने की ताकत और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना सकता है। दोस्तों सकारात्मक सोच के जरिए आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अतिरिक्त आय के लिए ये जो दिन होंगे आपके लिए अपने सृजनात्मक विचारों का आप सहारा लें। पारिवारिक सदस्य जो है यह समय जीवन साथी आपके तनाव का वजह बन सकता है। वही दोस्तों यह समय आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दोस्तों इन दिनों की शुरुआत पीर की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। दोस्तों यश में कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों यश में गपबाजी और अफवाहों से आप दूर रहें। अगर हाल में आप हुआ आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे हालात बदल सकते हैं। आप दोनों इन दिनों में बहुत ही मजे करने वाले हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में खीर का सेवन करने से आपका जो स्वास्थ्य है वह बेहतर होगा, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण टोटके के बारे में। दोस्तों आप इन टोटके को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए अपना सकते हैं। दोस्तों बृहस्पतिवार या फिर मंगलवार को 7 गांठ हल्दी, थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीपल का एक टुकड़ा, इन सबको मिलाकर पोटली में बांध दें तथा ससुराल की दिशा में फेंक दें तो वहाँ हर प्रकार की जो है शांति व सुख रहता है। दोस्तों कन्या अपनी ससुराल में रहते हुए यह करें, मेहंदी तथा साबुत उरद जिस दिशा में वधु का घर हो उसी दिशा में फेंकने से जो है वर वधु में प्रेम बढ़ता है। वहीं दोस्तों उसके उपरांत विशेष कार्य के लिए घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें तथा कार्य बोलकर चले जाएं तो आपका कार्य जो है निश्चित ही बन जाता है। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।